हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन बैंकिंग मास्टरी। फ्रेंड्स, आज के अपने इस वीडियो में हम आपको टॉप 5 बेस्ट एचडीएफसी म्यूचुअल फंड्स फॉर 2019 बताएंगे। फ्रेंड्स, अपने पिछले वीडियो में हमने आपको टॉप 5 बेस्ट एसबीआई म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताया था। उस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स मिला, इसलिए फ्रेंड्स हमने सोचा कि क्यों ना टॉप 5 बेस्ट एचडीएफसी म्यूचुअल फंड्स पर भी वीडियो बनाया जाए। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। इस पर हम म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वैल्यूएबल वीडियोज अपलोड करते रहते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट काफ़ी रिस्की और वोलेटाइल है, ऐसे में इन्वेस्टर के सामने म्यूचुअल फंड एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन निकल कर आता है, जिसमें कि रिस्क भी काफ़ी कम है स्टॉक मार्केट के मुकाबले। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड यहां पर बहुत ही अच्छा ऑप्शन प्रोवाइड करता है उन इन्वेस्टर को जो कि 500 या 1000 से एसआईपी के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं। फ्रेंड्स, अब सबसे बड़ा सवाल यह निकल कर आता है कि क्या वो कारण है जिनकी वजह से हम एचडीएफसी म्यूचुअल फंड को चुने। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला कारण यह है कि एचडीएफसी म्यूचुअल फंड इंडिया में वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट एंड वेल एस्टेब्लिश्ड म्यूचुअल फंड कंपनी है, जिसने की लगभग सभी कैटेगरी में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिया है। दूसरा रीजन है कि साल 2002 के बाद इसकी प्रॉफिट लगातार बढ़ती गई है। फिर उसके बाद तीसरा इसका रीजन है कि इसमें आपको वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे इन्वेस्टमेंट्स के लिए। चलिए फ्रेंड्स, आप टॉप 5 बेस्ट एचडीएफसी म्यूचुअल फंड्स को देख लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि इन सभी फंड्स को हमने वेरियस पैरामीटर्स पर चेक किया है, तब आपको बताने जा रहे हैं। ये पैरामीटर्स हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, शार्प रेशियो, बीटा, अल्फा, फंड मैनेजर, एयूएम, एज, एक्सपेंस रेशियो, सीएजीआर और होल्डिंग। फ्रेंड्स, इसके अलावा और भी कई पैरामीटर्स हैं जिन पर की चेक करने के बाद हम आपको इन फंड्स के बारे में बता रहे हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट फंड है एचडीएफसी शॉर्ट टर्म डेब्ट फंड। ये एक डेब्ट म्यूचुअल फंड है जिसमें कि बहुत कम रिस्क है। जो लोग म्यूचुअल फंड में स्टार्ट कर रहे हैं वो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, या जनरली जो लोग कम रिस्क लेना चाहते हैं। फ्रेंड्स, इस फंड को नंबर वन पर पिक करने के कारण है कि स्टैंडर्ड डेविएशन, शार्प रेशियो और बीटा कैटेगरी के कंपेरिजन में बहुत अच्छा है। इसमें एक्सपेंस रेशियो भी लगभग ठीक है, और भी कई रीजन है इस फंड को नंबर वन पिक करने के। चलिए इसके रिटर्न्स को देख लेते हैं। तो इसका वन ईयर का रिटर्न है 7.13%, थ्री ईयर का इसका रिटर्न है 7.61%, फाइव ईयर का इसका रिटर्न है 8.34%। कैटेगरी है इसका डेप्ट, रिस्क इसमें मॉडरेटली लो है, और जब से लॉन्च हुआ है इसने 8.57% का रिटर्न दिया है। चलिए अब इसके फंड इन्फो को देख लेते हैं। तो यहाँ पर स्टेबल हम देखिए, इसका लॉन्च डेट है जून 2010। बेंचमार्क है इसका क्रिसिल शॉर्ट टर्म बॉन्ड इंडेक्स। एयूएम इसका ₹8,985 करोड़। फंड मैनेजर इसके दो हैं, सबसे पहले हैं अनिल बम्बोली, फिर उसके बाद दूसरे हैं अमर कलकुंद्रीकर। मिनिमम एसआईपी इसमें आप 500 की कर सकते हैं। परफॉर्मेंस की बात करें तो इसने कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म किया अपने बेंचमार्क को। एक्सपेंस रेशियो इसका 0.40%, एग्जिट लोड इसका 0 है। फ्रेंड्स, इस फंड को हमने आपको अपने एक वीडियो टॉप 5 बेस्ट लमसम इन्वेस्टमेंट में नंबर वन पर सजेस्ट किया था। अगर आपने उस वीडियो को देखा है तो आपको पता होगा। फ्रेंड्स, हमारा दूसरा फंड है एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड्स। इस फंड को भी हमने अपनी एक और वीडियो टॉप 5 बेस्ट स्मॉल कैप फंड्स में सजेस्ट किया था। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। इस फंड का अल्फा कैटेगरी के मुकाबले काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसके फंड मैनेजर चिराग सिद्धलवाल एक बेहतरीन फंड मैनेजर हैं। इस फंड में ग्रोथ पोटेंशियल भी काफ़ी अच्छा है। अब चूंकि ये एक स्मॉल कैप फंड है तो इसमें हाई रिस्क है, इसलिए आप इसमें कम से कम 7 से 10 साल के लिए इन्वेस्ट करें। चलिए इसके रिटर्न्स को देख लेते हैं। तो इसका वन ईयर का रिटर्न है -11.64%, थ्री ईयर का इसका रिटर्न है 19.22%, फाइव ईयर का इसका रिटर्न है 19.7%, फिर उसके बाद कैटेगरी है इसका इक्विटी, रिस्क इसमें है मॉडरेटली हाई। जब से यह लॉन्च हुआ है इसने 14.14% का रिटर्न दिया है। चलिए अब इसके फंड इन्फो को देख लेते हैं। तो इसका फंड हाउस है एचडीएफसी म्यूचुअल फंड। लॉन्च डेट है इसका 5 2008। बेंचमार्क है इसका निफ्टी स्मॉल कैप 100 टोटल रिटर्न इंडेक्स। एयूएम है इसका ₹6,013 करोड़। फंड मैनेजर इसके दो हैं, सबसे पहले हैं चिराग सिद्धलवाल, फिर उसके बाद है अमर कलकुंद्रीकर। मिनिमम एसआईपी इसमें आप 500 की कर सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो इसका 2.26%, एग्जिट लोड इसका 1% है। हमारा तीसरा फंड है एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड। ये एक मिड कैप फंड है। इस फंड को भी हमने अपनी वीडियो टॉप 5 बेस्ट मिड कैप फंड्स फॉर 2019 में बताया था। फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये सभी फंड्स अपने कैटेगरी में टॉप 5 में हैं। इसका मतलब कि ये सभी काफ़ी अच्छे फंड हैं और इनको हमने काफ़ी डिटेल में एनालिसिस के बाद सेलेक्ट किया है। इस फंड में भी इसका अल्फा, बीटा और शार्प रेशियो कैटेगरी के मुकाबले काफ़ी अच्छा है। चलिए इसके रिटर्न्स को देख लेते हैं। तो इसका वन ईयर का रिटर्न है -14.81%,
थ्री ईयर का इसका रिटर्न है 13.92%, फाइव ईयर का इसका रिटर्न है 20.82%। कैटेगरी है इसका इक्विटी, रिस्क इसमें है मॉडरेटली हाई। जब से यह लॉन्च हुआ है इसने 15.26% का रिटर्न दिया है। फ्रेंड्स, इस फंड में आप 7 to 10 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करें। चलिए इसके फंड इन्फो को देख लेते हैं। तो इसका लॉन्च डेट है May 2007। AUM इसका ₹21,085 करोड़। फिर उसके बाद मिनिमम SIP इसमें आप 500 की कर सकते हैं। फंड मैनेजर इसके दो हैं, चिराग सेतलवाद और अमर कलकुंद्रीकर। एग्जिट लोड इसका 1% है। हमारा फोर्थ फंड है HDFC कॉरपोरेट बॉन्ड फंड। ये एक डेब्ट फंड है। फ्रेंड्स, अब यहाँ पर जो लोग कम रिस्क लेना चाहते हैं वो लोग इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस फंड का भी कैटेगरी के मुकाबले इसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। चलिए इसके रिटर्न्स को देख लेते हैं। तो इसका वन ईयर का रिटर्न है 6.67%, थ्री ईयर का इसका रिटर्न है 7.86%, फाइव ईयर का इसका रिटर्न है 8.57%। कैटेगरी है इसका डेप्ट, रिस्क इसमें मॉडरेटली लो है। जब से यह लॉन्च हुआ है 8.62% का रिटर्न दिया है। चलिए इसके फंड इन्फो को देख लेते हैं। तो यहाँ पर स्टेबलन देखिए, इसका लॉन्च डेट है June 2010। बेंचमार्क है इसका क्रिसिल कंपोजिट बॉन्ड इंडेक्स। AUM इसका ₹10,819 करोड़। फंड मैनेजर है इसके अनुपम जोशी। मिनिमम SIP इसमें आप 500 की कर सकते हैं और एग्जिट लोड इसका कुछ नहीं है, जीरो है। हमारा पांचवा और आखिरी फंड है HDFC हाइब्रिड इक्विटी फंड। ये एक एग्रेसिव हाइब्रिड इक्विटी फंड है। इस फंड को हमने अपने वीडियो टॉप 5 बेस्ट एग्रेसिव हाइब्रिड इक्विटी फंड फॉर 2019 में सजेस्ट किया था, फोर्थ नंबर पर। इसका परफॉर्मेंस काफी अच्छा है और इसमें भी काफी अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल है। चलिए इसके रिटर्न्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पर स्टेबल देखिए, इसका वन ईयर का रिटर्न है -5.85%, थ्री ईयर का इसका रिटर्न है 12.70%, फाइव ईयर का इसका रिटर्न है 16.16%। कैटेगरी है इसका हाइब्रिड, रिस्क इसमें मॉडरेटली हाई है। जब से यह लॉन्च हुआ है 15.72% का रिटर्न दिया है। चलिए इसके फंड इन्फो को देख लेते हैं। तो यहाँ पर स्टेबलम देखिए, इसका AUM है ₹21,902 करोड़। फंड मैनेजर है इसके चिराग सेतलवाद और अमर कलकुंद्रीकर। और बाकी की चीज़ों को आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। इन फंड्स के डिटेल रिव्यू हम बहुत जल्दी करने की कोशिश करेंगे ताकि आप इन फंड्स के बारे में और अच्छे से जान पाए। फ्रेंड्स, हमारी राय होगी कि आप इन सभी फंड्स में SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करें। SIP इन्वेस्टमेंट का बेहतर ऑप्शन है। अधिक जानकारी के लिए ऊपर आई पर क्लिक करें। फ्रेंड्स, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर फ्रेंड्स आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही और टॉप फंड्स पर वीडियो बनाएं टॉप AMC की, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दें ताकि हमें पता चले कि आप लोगों को ऐसी ही वीडियो चाहिए। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन। टिल देन, बाय बाय।